और बात करेंगे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अविनाश पांडे के आने के बाद पार्टी रेस हो गई है उनके निर्देशानुसार। और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए लिए गए निर्णय के मुताबिक मंत्री दरबार लगाकर जनसुनवाई कर रहे हैं। आज रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जनसुनवाई में खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम शामिल होंगे। लोग अपनी समस्याओं और विभिन्न विभागों में हो रही परेशानियों को लेकर मंत्री से सीधी बात कर सकते हैं। आलाकमान कांग्रेस ने कई दिशा निर्देश झारखंड कांग्रेस को दिया है और जब मुलाकात हुई थी राहुल गांधी से झारखंड के नेताओं और विधायकों की तो कई निर्देश झारखंड की जनता सबसे पहले है, पार्टी हित को देखते हुए काम करें, संगठन की मजबूती के लिए काम करें और चूंकि आप सरकार में हैं यानी कांग्रेस पार्टी झारखंड में सत्ता में साझेदारी है तो एक बड़ी जिम्मेवारी है कि झारखंड की जनता को किसी तरह से जो परेशानी है वो ना हो और उनकी परेशानियों का आप सीधा निराकरण करें। जनता दरबार लगाया जा रहा है, कल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जनता दरबार में शामिल हुए थे और लोग सीधी अपनी बात उनसे रख रहे थे, वन टू वन हो रहे थे। और आज खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव और मंत्री आलमगीर आलम इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं जनता दरबार में और यहां पर भी लोग अपनी समस्याओं को लेकर, विभागीय समस्याओं को खास करके लेकर, वो उनसे वन टू वन हो सकते हैं और अपनी समस्याएं अपनी परेशानी इन मंत्रियों के सामने सीधे तौर पर रख सकते हैं। अगर कोई अधिकारी जनता की बात नहीं सुनता है, उनके हक अधिकार के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो वो अपनी शिकायत सीधे विभागीय मंत्री से रख सकते हैं। और सीधा रुख करेंगे रांची से हमारे सहयोगी राकेश जुड़ रहे हैं। राकेश, आपसे जानकारी चाहेंगे, देखिए जब से अविनाश पांडे ने झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का कमान संभाला है, झारखंड में कांग्रेस पार्टी रेस है, राहुल गांधी से मुलाकात हुई झारखंड के नेताओं की, विधायकों की कई दिशा निर्देश दिए गए, कल मंत्री बन्ना गुप्ता जनता दरबार में शामिल हुए थे और आज दो मंत्री रामेश्वर उरांव और मंत्री आलमगीर आलम जनता दरबार में शामिल हो रहे, वन टू वन लोगों से होंगे और तमाम समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश की जाएगी, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। बिल्कुल जी शान, देखिए कांग्रेस में एक नई एनर्जी तो आई है नए प्रदेश प्रभारी के साथ ही और इसी एनर्जी का नतीजा है कि अब जो कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं जिन पर इस तरह के शिकायतें लगातार आ रही थी कि वो लोगों से नहीं मिलते हैं, संवाद स्थापित नहीं करते हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं से या आम लोगों से, तो उसको लेकर पार्टी ने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई है कि अब वो सीधे कांग्रेस भवन में उपस्थित रहेंगे, लोगों से संवाद करेंगे और लोगों की समस्याओं से वो अवगत होंगे और कोशिश यही होगी कि ऑन स्पॉट उनका निदान किया जाए। आपने देखा होगा कि कल सुबह के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं कांग्रेस कोटे से बन्ना गुप्ता, वो जनता दरबार उन्होंने लगाया था, लोगों की जन समस्याओं से वो रूबरू हुए और उनकी कोशिश रही कि लोगों की जो समस्याएं हैं उनका ऑन स्पॉट निदान किया जाए। जरूरत पड़ने पर उन्होंने अधिकारियों को फोन भी किया था और आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस के दो मंत्री आज जनता दरबार में उपस्थित रहेंगे। एक तो आलमगीर आलम है जो कि संसदीय कार्य मंत्री भी है और ग्रामीण विकास विभाग भी उनके पास है, तो उनकी उपस्थिति होगी, वो लोगों से संवाद करेंगे। इसके अलावा खाद्य आपूर्ति विभाग के जो मंत्री हैं रामेश्वर उरांव पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, वो भी आज जनता दरबार में रहेंगे, यानी दो मंत्री अब से थोड़ी देर के बाद कांग्रेस भवन में उनकी उपस्थिति होगी और लोगों की जन समस्याओं से वो अवगत होंगे, रूबरू होंगे। कोशिश यही होगी इन मंत्रियों की कि जो भी लोग इस जनता दरबार में अपना फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं उनके फरियाद पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए और जहां तक संभव हो सके उनके फरियाद का ऑन स्पॉट निदान किया जाए। तो एक नई परिपाटी की शुरुआत कांग्रेस के अंदर हुई है, आप इसे नए प्रभारी के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन यह जरूर है कि नए प्रभारी के साथ कांग्रेस में कई सारी चीजें नई हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है, एक नया एनर्जी डेवलप हुआ है कांग्रेस के अंदर। चिंतन शिविर भी है कांग्रेस का, आपको पता है उसमें भी कई बड़े नेताओं शिरकत करेंगे, राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे, तो बहुत कुछ कांग्रेस के अंदर हो रहा है। और कल जिस तरीके से आपने देखा होगा कि भाषा विवाद को लेकर जिस तरीके से चीजें गहरा रही थी, विवाद लगातार बढ़ रहा था धनबाद और बोकारो में, तो उस पर भी कांग्रेस के नेताओं ने कल मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उसका रिजल्ट रहा कि उन जगहों से मगही और भोजपुरी को हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक नई स्ट्रैटेजी के साथ, एक नई एनर्जी के साथ अब लोगों के बीच जाना चाहती है, जनता के बीच जाना चाहती है और उसी नई एनर्जी का नतीजा है कि कांग्रेस अब जनता से सीधे जुड़ना चाहती है। आज दो मंत्री लोगों से संवाद करेंगे, हालांकि अभी तक कोई फरियादी पहुंचा नहीं है जिसान, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और जैसे ही फरियादी कुछ पहुंचेंगे तो मंत्री
के आने की भी बात कही जा रही है। तकरीबन 11:30 बजे के आसपास जो है कांग्रेस कोटे के दोनों मंत्री कांग्रेस भवन में उपस्थित होंगे और उसके बाद बारी बारी से लोगों की समस्याओं से अवगत होंगे। जी सर, बारी बारी से लोगों की समस्याओं से अवगत होंगे। अक्सर देखा गया है कि चूंकि ग्रामीण इलाकों की आप बात करते हैं, प्रखंड की आप बात करते हैं, तो जो लोग होते हैं ना वो कई दफा अंचल कार्यालय की बीडीओ सीओ की चक्कर लगाते रहते कई सारी परेशानियों को लेकर, और वक्त तक उन्हें नहीं मिलता। वहां के जो अधिकारी होते हैं बीडीओ सीओ वो वक्त तक नहीं देते हैं, लेकिन आज विभाग के खुद मंत्री ही इस समय मौजूद रहेंगे जनता दरबार में, और यहाँ लोग किसी और से शिकायत नहीं बल्कि अपने मंत्री से कर सकते हैं। निश्चित तौर पर बड़ा निराकरण यहां से निकल सकता है, समस्याओं का समाधान हो सकता है, एक अच्छी पहल कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राकेश। तो परेशानियों को लेकर मंत्री से सीधी बात होगी, फरियादियों की कल मंत्री बन्ना गुप्ता से फरियादी अपनी बातों को रख रहे थे और आज मंत्री आलमगीर आलम और मंत्री रामेश्वर उरांव से ये फरियादी अपनी फरियादियों को अपने समस्याओं को रखेंगे ये फरियादी। और हालांकि अब तक फरियादियों का आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही ये दोनों मंत्री मौजूद रहेंगे तो उम्मीद करते हैं कि फरियादी भी यहां अपनी समस्याओं को लेकर हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।